नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुल सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन देखेंगे। यह प्रश्न 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आरपीएफ कांस्टेबल टेस्टमैन के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया गया है। दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया। तो दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया आयरलैंड में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू तथा अकबर के बीच में हुआ था। भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो भारतीय रेलवे नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 30 सितंबर 2015 को किया गया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय कहाँ खोला है? तो रिजर्व बैंक ने देश में अपना उप कार्यालय इम्फाल में खोला है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। वर्ष 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई थी? तो वर्ष 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की लेखिका श्वेत लाना एलेक्सेविच को देने की घोषणा की गई थी। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो फिलीपींस का माउंट पेनटुबो ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फट पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वैट का पूर्ण रूप है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला क्वेश्चन, भारत G20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? तो भारत G20 देशों की सम्मेलन की मेजबानी ये किया था 2018 में। अगला है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSS की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना की गई थी 1950 ईस्वी में। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको कहाँ जमा किया जाता है? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। किस वर्ष 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूर्व और पश्चिम जर्मनी के पूर्ण एकीकरण की कौन सी वर्षगांठ 3 अक्टूबर 2015 को मनाई गई? तो पूर्व और पश्चिम जर्मनी के पूर्ण एकीकरण की 25वीं वर्षगांठ 3 अक्टूबर 2015 को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी किस देश के चित्रकार थे? तो मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ये इटली देश के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, मार्लन जेम्स को उनके किस उपन्यास के लिए 2015 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मार्लन जेम्स को उनके ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स के लिए 2015 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चाइना ओपन 2015 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो चाइना ओपन 2015 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2015 को किसे राष्ट्रीय आयोग के पहले पुरुष सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो 21 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य के रूप में आलोक रावत को नियुक्त किया गया। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजहां किस देश में है? तो क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजहां ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति ये RBI के द्वारा बनाई जाती है। UK में मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला है।
तो यूके में मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला है हरभजन कौर धीर। भारत में बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। डीआरडीओ ने 5 अक्टूबर 2015 को कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरीय केंद्र की स्थापना की है? तो डीआरडीओ ने 5 अक्टूबर 2015 को लद्दाख के चांगला में सबसे ऊंचे स्तरीय केंद्र की स्थापना की है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारतीय मुद्रा कोष के प्रत्येक नोट पर धनराशि अमाउंट कितनी भाषाओं में लिखी होती है? तो भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि अमाउंट 17 भाषाओं में लिखी होती है। किसी गैर सदस्य राष्ट्र का ध्वज संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पहली बार 30 सितंबर 2015 को लहराया गया? तो किस गैर सदस्य राष्ट्र का ध्वज संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पहली बार 30 सितंबर 2015 को लहराया गया? फिलिस्तीन में। अगला है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला है, PSLV C-30 यान द्वारा कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो PSV-30 यान द्वारा कुल 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का लक्ष्य है देश के 90% बच्चों को 2020 तक टीकाकरण कराना। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अगला है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला, ट्यूब न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ये लाला हरकिशन लाल के द्वारा की गई थी। नेपाल में नया संविधान बनने के पश्चात पहली बार कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने? तो नेपाल में नया संविधान बनने के पश्चात पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली बने। सबसे कम आयु में तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे कम आयु में तैर कर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय महिला है रूपाली रामदास। हैदराबाद स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैदराबाद स्थित देश के प्रतिष्ठित डीआरडीओ मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बांध कौशल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई? तो तीसरी बांध कौशल कब, ये 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध कौशल कब और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध कौशल 483 BC राजग्रह अजातशत्रु में हुई थी। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था।